देख रहे हैं कि आज देश में जिस तरीके से महंगाई चरम पे है और जिन लोगों ने ये नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अभी मोदी सरकार और उनके राज में, जब हमारी बहन केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी 410 रुपया 2014 के मार्च में जब सिलेंडर का दाम था तो सिलेंडर पकड़कर पूरे देश में जो है, और भाजपा के लोग पूरे देश में हंगामा बरप रहे थे, और आज जो है उसी सिलेंडर का दाम 819 रुपया हो गया, बांट दिया कि दुगना हो गया करीब करीब। और पेट्रोल पेट्रोल जो है वो 220% ज़्यादा केंद्र सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया, डीजल पर 600% टैक्स लगा है, और सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त मुनाफा कमाने का काम किया है, और जो सरकार ने 300% मुनाफा देश की जनता पर अतिरिक्त थोपने का काम किया है। और आप देख रहे हैं सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, इवन आटा, चावल, दाल, सारे चीज महंगे हुए हैं, और जो इशू थे वो इशू को नॉन इशू में तब्दील कर दिया गया है, और इसी के विरोध में और जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि नॉन इशू इशू हो गए, इशू नॉन इशू हो गए। तो आज जो है जनता त्राही माम कर रही है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में देश में जन जागरण अभियान चलाया है। संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, और उसी के क्रम में हम महंगाई के विरोध में हम ये एक तरीके से ये सत्याग्रह जैसे पूर्व में होता था उसी तरीके से हम इसको जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि महंगाई जो है चरम पर। और महंगाई इसलिए भी चरम पर है क्योंकि ये रोनर होते हैं कि कंपनियां जो है महंगाई बढ़ा रही हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।